नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप साथियों। आज एक प्रश्न दिमाग में आया, मैंने कहा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। कोरोना एक आपदा या अवसर, और अवसर तो किन के लिए अवसर? दोस्तों, मजदूर के पास आज मजदूरी नहीं है, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, दुकानदार के पास आज ना ठीक से माल है ना ग्राहक पहुंच पा रहा है, और जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं आज उनकी नौकरियां या तो जा चुकी हैं या वो लोग 40-40, 50-50% डाउन सैलरी पे काम करने के लिए विवश हैं। स्थितियां विकट नहीं, विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। साथियों, एक बड़ा जटिल प्रश्न है। हम लोग कई बार बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, पार्किंग तक आते हैं, देखते हैं गाड़ी की चाबी भूल गए, ऑफिस पहुंच के देखते हैं रोटी का डब्बा भूल गए, बच्चे स्कूल जाते हैं देखते हैं अरे ये किताब कॉपी या पेंसिल बॉक्स भूल गए। बहुत सारी चीजें होती है, समय पे कई बार हम मोबाइल को रिचार्ज कराना भूल जाते हैं। क्या यह संभव नहीं है कि हम कभी मास्क भूल जाए? उसके लिए सरकार हमसे 2-2 हजार रुपए, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए जैसे राज्य सरकारों ने निश्चित किया है केंद्र के आदेश अनुसार वसूल रही है, सरकारी तंत्र वसूल रहा है। मगर मेरा सरकारी तंत्र से एक प्रश्न है, जनता कहां से दे? आय का कोई स्रोत तो है नहीं। प्रार्थना है कि आप लोग एक विकल्प दे दें। यहां हमारे शूरवीर पुलिस वाले चालान करने के लिए खड़े हों, वहीं पर एक व्यक्ति मास्क बेचने के लिए भी खड़ा हो जाए। एक तो उस व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा और दूसरा सबसे बड़ी चीज यह है कि दंड देने के बाद भी वो व्यक्ति बिना मास्क के अपने गंतव्य तक जाएगा, क्या तब उसमें कोरोना का खतरा हट जाएगा, खत्म हो जाएगा? इसलिए मेरी प्रार्थना है, विकट परिस्थितियों में जनता को विकल्प प्रदान करें। अपने खजाने भरने हैं तो आपके पास जीवन में और बहुत सारे विकल्प होंगे, बहुत अवसर आएंगे। खाली जेबें हैं जनता की, अंदर से कांप रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा आशंकित हैं। कृपया उस जनता के ऊपर और आर्थिक मार ना करें मित्रों, ना करें, ना करें। मेरी प्रार्थना है इस देश की व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से और प्रशासन से कि इन लोगों पे कृपया दया दृष्टि रखें और इंसान को बीमारी से बचाएं। आपके जितने भी कदम उठाए गए हैं वो सारे सराहनीय, और जनता में मित्रों उसका बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है लोगों को विकल्प दें, उनकी स्थितियों पे और कुठाराघात ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।